नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको भी इससे सफर कर रहे हैं या पोस्चुरल हाइपोटेंशन से, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया कॉल ना करें। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है? जब आदमी खड़ा होता है तो उसका बीपी फॉल हो जाता है, तो बीपी फॉल होता है तो वो गिर सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। तो ये बताएंगे कि वो चलते फिरते, खड़े होते बैठते उनको चक्कर आते हैं या घबराहट बेचैनी होती है। ठीक है, तो अब मैं ऐसे समझाता हूँ, ये बोतल मैंने इसलिए रखा है, ये समझ लीजिए ये एक ह्यूमन बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अभी इसमें ये अपन ब्लड मान लेते, थोड़ा इसको मैं कम कर देता हूँ। अब ये पानी है, ठीक है, अब मैंने इसको कम कर दिया। जैसे ही हम लेटते हैं तो हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है, फिर हम खड़े होते हैं तो ऊपर ब्लड सप्लाई कम होगा ब्रेन में। ठीक है, तो इश्कीमिया हाइपोक्सिया होता है, पर ये पैथोलॉजी है। नेचुरली क्या होता है, जब हम लेटते हैं ब्लड ऐसे रहता है, ऊपर जाते हैं तो बॉडी बोतल स्क्वीज करता है, ये जैसे हम दबाएंगे पानी ऊपर आया, वैसे हमारा बॉडी का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ब्लड ऊपर जाता है तो चक्कर नहीं आते हैं। पर कुछ लोगों में ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है और उनका ब्लड फ्लो ऊपर नहीं जा पाता तो उनको चक्कर आता है। ठीक है, ये हो गया ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या पोस्टुरल हाइपोटेंशन। अब इस किसको कहते हैं, जैसे कि अगर आप बैठे हैं, लेटे हैं तो आपका बीपी है 140/80 और खड़े हो गए हैं तो आपका बीपी फॉल हो गया 20 mmHg ऊपर वाला, सिस्टोलिक हो जाए 120 और डायस्टोलिक जो 90 था वो हो जाए 80, तो ये पोस्टुरल हाइपोटेंशन है। इसके वजह से चक्कर ये सब आते हैं। अब कुछ दवाइयां भी हैं जो पोस्टुरल हाइपोटेंशन करती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, वैसोडाइलेटेड ड्रग्स, अल्फा ब्लॉकर में जो प्रोस्टेट में दवाई देते हैं, एल्बुलोसिन, डॉक्सोलोसिन, प्राजोसिन, ये सब। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक कंडीशन और होती है जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करती है, उसे बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। देखिए, अब जैसे ये बोतल है, अब हमारे शरीर में पानी का कमी है, हम डिहाइड्रेटेड है, अब हम लेके तो हमारा ब्लड ऐसे था, जैसे हम खड़े हुए तो हमें चक्कर आएंगे क्योंकि हाइपोक्सिया हो गया ब्रेन में। इवन इंस्पाइट हम स्क्वीज करेंगे, जैसे बोतल को दबाया तो भी ये पूरा प्रॉपर पानी ऊपर नहीं जा पाएगा, तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हुआ। वॉल्यूम लेस होने की वजह से एनीमिया हो या कई ऐसे बॉडी के डिसऑर्डर, उसके कारण ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, तो इस टर्म को हम बोलेंगे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। मैंने बताया दवाइयों के कारण होता है, कई बार इडियोपैथिक होता है, कई बार हाइपोवोलेमिया मतलब पानी का कमी, फ्लूइड का डेफिशिएंसी, एनीमिया या इन्फेक्शन के कारण डिहाइड्रेशन उस समय होता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, कई बार इडियोपैथिक। अब इसको पहचाने कैसे, मैंने बताया पहचानने के लिए होता है क्लिनिकल टेस्ट, इसको पहचानने के लिए होता है क्लिनिकल एनालिसिस, जैसे कि मैंने बताया बीपी को चेक करें ये सब, तो ये हो गया। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में आप ईसीजी करा सकते हो 24 और होल्टर करा सकते हो, 2D एको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसमें और क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो ट्रीटमेंट में हम इसमें ट्रीट द कॉज वाली बात हो गई, एनीमिया है तो एनीमिया को करेक्ट करें, हाइपोवोलेमिया है तो हाइपोवोलेमिया को करेक्ट करें। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, और इसके ट्रीटमेंट में हम स्टीरॉइड्स भी दे सकते हैं, जैसे फ्लुद्रा कॉर्टिसोन है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस को करेक्ट करें। और आपको एक चीज और बताता हूँ, इसमें मिदोद्रिन नाम का दवाई भी दे सकते हैं, पर खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, सब मेडिसिन के हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। यस गनु, आ जाओ। तो हेलो, कैसे हो? हेलो बोल दो यूजर्स को। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, चलो, तो ये हो गया ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का कॉजेस। अब ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन से प्रिवेंट कैसे करें, कुछ पोस्चर्स होते हैं, कुछ लाइफ स्टाइल होता है वो फॉलो करना है, डाइट आपको फॉलो करना है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया लाइफ स्टाइल, और ये वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अगर आप भी ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन से सफर कर रहे हैं तो आप ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें व्हाट्सएप नंबर पे जाके। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, चक्कर आना ही ड्रॉबैक नहीं है, हम खड़े हुए बाथरूम में एकदम से बीपी फॉल हो गया तो हेड इंजरी हो सकता है, सीवियर हेड इंजरी हो सकता है, बुढ़ापे में अगर ओल्ड एज है तो हाथ पैर टूट सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को ट्रीट करना जरूरी है। मैंने ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के कई केसेस देखे जिनका काफी ट्रीटमेंट हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, किसी को ये भी नहीं पता चला ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है। जब मैंने चेक किया कि इसको चक्कर क्यों आ रहे हैं तो पता चला ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की वजह से था, तो ये एक बहुत मेजर चीज है, तो इसको आप मॉनिटर कीजिए। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट इज वेरी इजी, दवाई नहीं, लाइफ स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइजेस, कई सारी चीजें हैं, और ट्रीट द कॉज। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय, गुड बाय।